है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको IQ Z9 5G को कंपेयर करने वाला हूं लावा ब्लेज कर्व के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों स्मार्टफोन में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे IQ Z9 5G से। तो इस स्मार्टफोन में आपको एक 6.67 इंच का फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको 6.67 इंच का फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही में आपको 2400x1080 पिक्सल्स मिलते हैं, दोनों ही में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। IQ में आपको 1800 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको 800 निट्स का। यहाँ पे IQ में मीडिया टेक का डेमेंसिटी 7200 मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको मीडिया टेक का डेमेंसिटी 7050। एंड यहाँ पे दोनों ही में 8GB रैम एंड 256GB रोम मिलता है 8GB वर्चुअल रैम के साथ। एंड IQ में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एंड लावा में आपको 64 प्लस 8 प्लस 2 का। एंड IQ में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, एंड लावा में 32 मेगापिक्सल। दोनों ही में आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है। IQ में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, एंड लावा में 33 वाट का। दोनों ही में आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है वाईफाई 6 के साथ। एंड IQ Z9 5G में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको ब्लूटूथ 5.2। एंड IQ में आपको फनटच OS 14 मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको स्टॉक एंड्रॉइड। IQ Z9 5G में आपको एंड्रॉइड 14 मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको एंड्रॉइड 13। एंड IQ में आपको IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है, एंड लावा ब्लेज कर्व में आपको ये चीज नहीं दिया गया है। दोनों ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है 2 कलर ऑप्शन के साथ। एंड IQ Z9 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 19,999 रुपीज़, एंड लावा ब्लेज कर्व का स्टार्टिंग प्राइस है 17,999 रुपीज़। तो गाइस, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं, जो मेन डिफरेंसेस, वो क्या है कि यहाँ पे आपको IQ Z9 5G में आपको MediaTek का Dimensity 7200 देखने को मिलता है, लेकिन जो लावा है उसमें आपको MediaTek का Dimensity 7050 मिलता है। IQ में आपको जो 1800 nits का ब्राइटनेस मिलता है, लेकिन जो लावा है उसमें आपको एक 800 nits का पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया गया है। IQ में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एंड लावा में आपको 64 प्लस 8 प्लस 2 का कैमरा मिलता है। एंड IQ में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, एंड लावा में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। IQ में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, एंड लावा में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। एंड IQ में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, एंड लावा में आपको ब्लूटूथ 5.2। एंड IQ में आपको एक IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है, एंड लावा में ये चीज मेंशन नहीं है। प्राइस जो है वो IQ का स्टार्टिंग प्राइस है 19,999 रुपीज़, बस फर्स्ट सेल में अगर आप परचेज करते हैं बैंक ऑफर के साथ तो इसका प्राइस 17,999 रहने वाला है। एंड वहीं अगर आप लावा ब्लेज कर्व को परचेज करते हैं तो इसका स्टार्टिंग प्राइस 17,999 है। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन मुझे परचेज करना होता तो मैं जो है वो IQ Z9 5G के साथ जाता, क्योंकि मुझे इस फोन में बेटर डिस्प्ले मिलने वाला है, ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा कैमरे के साथ साथ यहाँ पे मुझे एक अच्छा चिपसेट भी देखने को मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई ये सब भी जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, और इसका वाटर रेजिस्टेंट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन अगर परचेज करना हो तो IQ Z9 5G जो है बेटर ऑप्शन रहने वाला है। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।